बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो पालक लिया है, इसे बारीक काट कर धो लिया है अच्छे से। आधा किलो आलू लिया है, इसे छील कर काट लिया है और धो लिया है। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया, इसे बारीक काट लिया है। चार हरी मिर्च लिए, इसे भी बारीक काट लिया है। मसालों में एक टेबल स्पून कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून ज़ीरा, दो सर्विंग स्पून ऑयल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। प्याज लाइटली फ्राई हो गया, हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर शामिल करेंगे, इसे भी फ्राई कर देंगे। ये लगा देंगे, टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। देखिए तमाम मसाले शामिल करेंगे, नमक, कुटी मिर्च, हल्दी, जीरा और सूखा मेथी सब शामिल कर देंगे और हल्का सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले। इसे भी भून लेंगे। मसाला भून चुका है, जिसमें आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल कर दिए, मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब सारा पालक शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे, मिक्स हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब इसे कवर करके 20 मिनट तक दरमियानी आंच में पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके, अब हम इसे देखेंगे। तो ये पक चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखेंगे आलू भी गल चुके हैं और ये अच्छे से पक चुका है। हम इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए जी, हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा आलू पालक बन करके तैयार है। ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है झटपट। आप इसे पराठों और चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी का जरूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।